हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के मौसम पूर्वानुमान की कि आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम और किन किन जिलों में होने वाली हैं बारिश की गिद्दियाँ। साथ ही बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के किन किन जिलों में होने वाली हैं भारी बारिश की गिद्दियाँ और बारिश की गिद्दियाँ कब तक शुरू हो सकती हैं। यह संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। तो आइए दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं संपूर्ण भारत पर बने मौसमी सिस्टमों की। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के अंदर एक नया निम्न दबाव यानी सर्कुलेशन बना हुआ है और जल्दी एक मजबूत होते हुए निम्न दबाव के रूप में बनने की संभावना है, जिसके प्रभाव से आने वाले दिनों में देखा जाए तो मध्य भारत के कई इलाकों में और मध्य पश्चिम और उत्तरी भारत के कई इलाकों में भी इसी सिस्टम के प्रभाव से आपको मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की गिद्दियां देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है एक दो इलाकों में अति भारी बारिश की गिद्दियां तो कुछ इलाकों में अति भारी बारिश की गिद्दियां इसी सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिल सकती हैं। विशेषतः देखा जाए तो आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी के अंदर बने रहने की संभावना है, जिसके प्रभाव से यह मजबूत होते हुए एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन के रूप में भी बन सकता है, जो धीरे धीरे देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड से होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के इलाकों को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की गिद्दियां अगले एक दो सप्ताह में आपको देखने को मिल सकती हैं। अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह में देखा जाए तो उत्तर व उत्तरी हिमालय क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में अति भारी बारिश की गिद्दियां इसी सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिलेगी। वर्तमान में देखा जाए तो राजस्थान के पश्चिमी भागों पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जिसके प्रभाव से मानसून वापसी की गिद्दियां भी काफी अनुकूल बनती हुई नजर आ रही है, जिसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगाकर कई इलाकों में लगातार बारिश की गिद्दियों की कमी देखने को मिल रही है। एक अन्य सर्कुलेशन की बात करें तो WDE के प्रभाव से देखा जाए तो पाकिस्तान के मध्य भागों के आसपास बना हुआ है। वर्तमान में एक हल्का WDE उत्तरी हिमालय क्षेत्रों के आसपास भी है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश की गिद्दियां देखने को मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के प्रभाव से देखा जाए तो राजस्थान के पूर्वी इलाकों में और उत्तरी इलाकों में मध्यम से तेज तो पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में कहीं हल्की से तेज बारिश की गिद्दियां देखने को मिल सकती हैं। ये बारिश की गिद्दियां अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह की शुरुआत में आपको देखने को मिलेगी। बंगाल की खाड़ी में बने न्यूरू तूफान की बात करें तो वो कमजोर होते हुए सर्कुलेशन के साथ मर्ज होने की संभावना है। उसके अवशेष इस सर्कुलेशन के साथ मर्ज होते हुए ये मजबूत होते हुए एक डिप्रेशन भी बन सकता है। आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो वर्तमान में मानसून वापसी की गिद्दियों की बात करें तो 30 सितंबर को कोई विशेष मानसून वापसी की गिद्दियां देखने को नहीं मिली। आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर देखा जाए तो मानसून वापसी की गिद्दियां उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में और राजस्थान के कुछ पूर्वी इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भी मानसून वापसी की गिद्दियां जल्द आपको देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान की बात करें तो आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में खंड बारिश की गिद्दियां देखने को मिल सकती हैं। ये बारिश की गिद्दियां विशेषतः देखा जाए दोपहर के बाद से इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। जालौर से लगाकर जोधपुर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में दोपहर के बाद से बारिश की गिद्दियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी देखा जाए तो दक्षिणी, पूर्वी और मध्य भारत के कई इलाकों में भी लगातार बारिश की गिद्दियां देखने को मिल रही है और बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी में भी लगातार आपको सक्रियता नजर आ रही है और WDE के प्रभाव से देखा जाए तो उत्तरी हिमालय क्षेत्रों के इलाकों में भी एक दो इलाकों में बारिश की गिद्दियां संभावित हैं। आने वाले वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण भारत में किस प्रकार की सैटेलाइट इमेज बनी हुई है। सैटेलाइट इमेज की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में लगातार देख सकते हैं आप घने बादलों का जमावड़ा और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भी देखा जाए तो इन क्षेत्रों में भी लगातार बारिश की गिद्दियां देखने को मिल रही हैं, कहीं की मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की गिद्दियां देखने को मिल सकती हैं। वर्तमान में देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में बन रहे सर्कुलेशन के प्रभाव से इन क्षेत्रों में भी काफी घने बादल नजर आ रहे हैं। आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो राजस्थान के किन किन इलाकों में बारिश की गिद्दियां देखने को मिलेगी। विशेषतः देखा जाए तो राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली, जोधपुर से लगाकर नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा के आसपास के इलाकों में कहीं की तेज तो कहीं की खंड बारिश की गिद्दियां देखने को मिल सकती हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास के इलाकों में भी मध्यम से तेज बारिश की गिद्दियां हो सकती हैं। बाकी संपूर्ण राजस्थान में देखा जाए तो मौसम मुख्यतः आपको शुष्क देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर अब के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।